নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রাজধানী আগরতলার রেফারেল হসপিটাল জিবি হাসপাতাল এবং সেই হাসপাতালে চিকিৎসক এবার আক্রান্ত হয়েছেন, দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসক, এমনটাই খবর। গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি, এই খবরই আমাদের কাছে উঠে এসেছে। আজ সকালেই তিনি আক্রান্ত হয়েছেন দুষ্কৃতীদের দ্বারা, যেখানে এই হসপিটাল থেকেই বারংবার উঠে আসে চুরির মতো ঘটনা। রোগীর পরিবার এক প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এক প্রকার চিন্তায় পড়তে হয়, বারবার তাদেরকে লক্ষ্য করা চাইছে। রীতিমতো চুরির ঘটনা এই হসপিটাল থেকে উঠে আসে, তারই মধ্যে এবার আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসক। তবে গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু বলা যায় জিবি হাসপাতালে যারা নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছেন তাদের ভূমিকা কি, সেই নিয়ে কিন্তু এক প্রকার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে আহত চিকিৎসকের কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। जो बाइक था मेरा वो पार्किंग करने के लिए साइड में खड़ा था, तो उसी टाइम पे कुछ लोग एक ट्रिपलिंग करके एक स्कूटी आके फोन दे रहा था, तो पूरा लेफ्ट साइड पूरा खाली था। मैं तो पार्क करने के लिए राइट साइड पे खड़ा था, तो ये लोग फिर मतलब गंदे गंदे कमेंट मार के मतलब गाली दे के सामने गए, तो मैं तो उनको ऐसा दिखाया कि ये पूरा खाली है, तो तुम कैसे मतलब गाली वाली दे रहे हो, क्या है ऐसा बोल के मैंने पूछा, तो वो लोग वापस आके मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को धक्का मुक्की किया वहाँ पे। उसके बाद जो गार्ड थे यहाँ पे वो और वहाँ का जो मतलब ऑनड्यूटी कोई पुलिस ऑफिसर था कि मतलब कोई एक स्टाफ है मतलब वो आके उनको देख के ये लोग भाग गए। तो जैसे ये लोग भागने गए तो मैं कंप्लेंट करने के लिए उनका स्कूटी का नंबर प्लेट देखने गया, तब तक ये भाग चुके थे, तो मैं क्लियरली नंबर प्लेट नहीं देख पाया। तो फिर मैं अपने बाइक में बैठ के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के कैंटीन के पास गया, वहाँ पर मैं अपनी स्कूटी मतलब पार्क किया और देख रहा था कि वो नंबर मतलब वो स्कूटी कहाँ पर, जहाँ नंबर प्लेट का नंबर नोट करूँ मैं। तब मैं जब वापस जा रहा था तो ये तीन लोग प्लस वहाँ ये जो लोग थे उसके साथ एक और बंदा मिल के मेरे सामने आके मतलब बात करने लगे। फिर जैसे मैं बोला कि ठीक है आपने जो कंप्लेंट किया, और एक बंदा बोल रहा था कि वो कोई हाईकोर्ट का स्टाफ है, तो फिर वो ये लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैं हाईकोर्ट का स्टाफ हूँ, मैं देख लूँगा मैं ऐसे, तो मैंने बोला कि आपको जो देखना है देख लो। तो मैं जो है मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया है, तो पुलिस वाले आपसे बात करेंगे। किस चीज़ से मांगा है? हाँ ये बताओ, मैंने जैसे जैसे ये हुआ तो मैं बाइक लेके वापस जा रहा था, तो वो लोग इसको जाने मत तो बोल के बाइक पकड़ लिया मेरा, मुझे जाने नहीं दिया। मैं तो मतलब निकल रहा था उस सिचुएशन से। फिर क्या बोलते हैं इसको, मेरा बाइक का मतलब मेरा दोस्त का बाइक था, उसका फोटो वोटो निकाला हुआ उन्होंने। फिर एकदम मैं नीचे उतर के मेरे जो फ्रेंड्स उनको फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठा रहा था, तो एक बंदा मुझे पीछे से मारा, तो फिर चारों मिल के मारने लगे मुझे। और बीच में जब मतलब एक बार पूरा मार के मुझे गिराया, फिर मैं थोड़ी देर बाद जब देखा तो मेरे सर पे पूरा खून आ रहा था। तो जब खून आ रहा था तो देखा कि फिर भी मतलब बाकी तो तीन लोग तो रुक गए थे, मगर एक बंदा तो फिर भी मुझे मतलब पकड़ के वहाँ पे एक खाई जैसा है नीचे, वहाँ पे गिराने की कोशिश किया, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 feet नीचे खाई है, वहाँ पे गिराने की कोशिश किया। फिर जब मेरा सर पे मतलब खून आने लग गया, तो ये सब मिलके एक ऑटो में बैठ के भागे, वो ऑटो भी उनका ही था, तो ऑटो में बैठ के भाग गए। फिर मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुआ, फिर वहाँ पे कोई थे जो मुझे यहाँ पे लेके आ गए, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा होश आया, फिर वो स्टिचेस वगैरह लगा रहे थे यहाँ पे। और जब वो मार रहे थे मेरे को, वो उनका जो हाथ में खड़ा था वो ब्रेसलेट निकाल के हाथ में लगा के मारा था, तभी जाके इतना स्टिचेस, और सीधा सिर्फ सर पे अटैक किया पीछे से। आगे से আপনারা শুনলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের বক্তব্য। একেবারেই বলা যায় কর্মরত অবস্থায় কিছু দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন চিকিৎসক, এমনটাই খবর জিবি হাসপাতাল থেকে আজ উঠে এসেছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতাল, সেই হাসপাতালের নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদ আপাতত এই পর্যন্তই, পরবর্তী আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।